वैल्यू का खालसा वैल्यू ही पता है। अज तक मैं दसन जा रहा हाँ एक्टिव पैसिव बारे, ठीक है। एक्टिव पैसिव के जोड़ा वा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बारे दसन जा रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एक्टिव पैसिव सू समझ नहीं आ रहे। सो प्लीज़ अज मैं तुम्हें दसन जा रहा एक्टिव पैसिव, अज आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इनडेफिनेट। प्रेजेंट इनडेफिनेट तुम ही एक्टिव पैसिव समझ आएगा जे तुम टेंसिस आते हैं। जे तुम टेंस नहीं आते तो तुम ये सीखने प्रॉब्लम आएगी। इस करके अज तुम मैं दसन तो जा रहा जे तो तुम ये नहीं समझ आ रहा तो फिर तुम जी मेरी पहली वीडियो आ वो जरूर देखो, वो दे मैं टेंसिस बारे दसिया हुआ वा। सो लेट स्टार्ट आ वीडियो, ठीक है। सो फर्स्टली एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव के सब तो पहले आप प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस करा। प्रेजेंट डेफिनेट के रूल की होंगे है, टेंसिस के पहले आप रूल समझा, उस तो बाद पैसिव समझावे। क्यों? क्योंकि ये जो आप टेंस के आते हो तो पैसिव ईजली समझ आ जाएंगे। सब तो पहले आप टेंस बारे दसन जा रहे हैं। टेंस के जो प्रेजेंट डेफिनेट हों सबजैक्ट प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म एस या ई एस एंड ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। सो ये अपना टेंस है, जो आप कन्वर्ट करना पैसिव के जोड़ा ऑब्जेक्ट है अपने को अपने को अगे आ जाना पैसिव के, उस तो बाद अपने वीज एम आर लग जाना है, उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जानी है, उस तो बाद अपने को बाय लग जाना है, उस तो बाद सबजैक्ट लग जाना है। सो जो वर्ब की फस्ट फॉर्म है टेंस के थर्ड फॉर्म से कन्वर्ट हो जानी है, उस तो बाद जो अपने को बाय आ जाना है तो सबजैक्ट जो अपने को ऑब्जेक्ट बन जाना है। सो जिमें आप एक एग्जाम्पल लैके समझा कि मैं किताब पढ़ता हाँ, आप टेंस बना मैं किताब पढ़ता हाँ। पहले आप टेंस बनावे, क्योंकि टेंस बनाने का यह फायदा है कि आप पैसिव बहुत ही जल्दी ईजली समझ आएंगे, ठीक है। सो जिमें यदी अंग्रेजी होंगी सी आई रीड अ बुक, ठीक है, आई रीड अ बुक। सो ये अपने को आई जिहड़ा वा वो सबजैक्ट है, ये अपने को वर्ब है, सो ये अपने को ऑब्जेक्ट है। जिहड़ा ऑब्जेक्ट है आप रूल के हिसाब न अगे ला देना है, तो ऑब्जेक्ट जिहड़ा अपने को पैसिव दे विच अगे आ जाएगा, ठीक है। ए बुक जिहड़ी आ वो अगे आ जाएगी, ठीक है। उस तो बाद आप इस एम ते आर दे विचों ए बुक जिहड़ी अपने को सिंगुलर है, इस करके इहदे नाल की लगेगा इज, ठीक है, इज। उस तो बाद रीड दी, रीड दी जिहड़ी थर्ड फॉर्म लगेगी, रीड दी वैसे तो रेड रेड बोली दा इहनू आपां, पर लिखी दा इहनू रीड ही है। सो आपां इहनू लिखांगे रीड, ठीक है, रीड अ बुक इज रेड बाय, उस तो बाद आपां की कहा ही बाय लगेगा, फिर आपां लावांगे बाय। सबजैक्ट, सबजैक्ट अपने को आई आ, ये कन्वर्ट हो जाएगा मी दे विच, हमेशा जिहड़ा आई आ पैसिव दे विच मी दे विच कन्वर्ट हो जाता है। इस करके आप ईजली सीख सकते हैं कि जो प्रेजेंट डेफिनेट दे विच जो पैसिव सेंटेंस है वह कि बनाना है। तुसी सो आ बुक इज रेड बाय मी, सो तुसी देख सकते हो कि यह जो प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस आ आप ईजली कन्वर्ट कर सकते हैं जेकर सानू पैसिव का रूल पता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, प्लीज लाइक एंड शेयर।